Subscribe to Easy Engineering Studies and click the bell icon to receive the latest update on all videos. Hello friends, welcome back to another video. ये वीडियो में हम Banker's algorithm का next example solve करेंगे. ये वीडियो से आने वाले examples काफी important है. इस टॉपिक के आपने पहले वीडियो देखे नहीं होंगे, आपको वीडियो के ऊपर लिंक होगी, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो. तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग Banker's algorithm एंड फाइंड आउट वेदर द रिजल्टेंट सिस्टम स्टेट इज सेफ और नॉट. इस तरह से हमें टेबल दी है जिसमें पैरामीटर्स दिए हैं प्रोसेस, एलोकेशन, मैक्स और अवेलेबल, और उसके हमें रिसोर्सेज दिए हैं ए बी सी, और इसके हमें इंस्टेंसेज भी दिए हैं साथ में, और हमें ये इंस्टेंसेज के ऊपर हमें ये तीन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है नीड मैट्रिक्स, सेकेंड है फाइंड आउट सिस्टम स्टेट इज सेफ, और थर्ड क्वेश्चन दिया है इफ पी वन मेक्स अ रिक्वेस्ट एट प्रोसेस पी वन, और उसके हमें इंस्टेंसेज दी है 102. तो फिर हमें चेक करना है फिर इज द रिजल्टिंग स्टेट सेफ. तो ये क्वेश्चन में हमें सबसे पहले फाइंड करना है नीड मैट्रिक्स. तो नीड मैट्रिक्स फाइंड करने का फॉर्मूला ऐसी है, आपको लिखना है फॉर्मूला नीड इक्वल टू मैक्स माइनस अलोकेशन, यानी आपको मैक्स में जो इंस्टेंसेस दी है ए बी सी रिसोर्सेस के उसमें सबको माइनस करना है अलोकेशन. सबसे पहले है प्रोसेस पी जीरो, तो फिर हम देखेंगे 7 माइनस 0 तो यहाँ पे हो जाएगा फिर 7, और नेक्स्ट है 5 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 4, और नेक्स्ट है 3 माइनस 0 तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3. नेक्स्ट है प्रोसेस पी वन, तो यहाँ पे है 3 माइनस 2 यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर है 2 माइनस 0 तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और 2 माइनस 0 ये भी हो जाएगा यहाँ पे 2, और नेक्स्ट प्रोसेस है पी टू, फिर है 9 माइनस 3 तो ये हो जाएगा 6, 0 माइनस 0 0 और फिर है 2 माइनस 2 ये हो जाएगा फिर 0, और नेक्स्ट प्रोसेस है पी थ्री, फिर हम देखेंगे 2 माइनस 2 ये हो जाएगा 0, 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1 और फिर है प्रोसेस पी फोर, तो यहाँ पे होगा फिर 4 माइनस 0 4, 3 माइनस 0 3 और 3 माइनस 1 2. इसके बाद फिर हमें फाइंड करना है सेफ स्टेट. तो सेफ स्टेट फाइंड करने के लिए आपको चेक करना है कि नीड स्मॉलर देन इक्वल टू अवेलेबल चाहिए. तो आपको नीड के लिए देखना है आपको नीड मैट्रिक्स, और आपको एक एक प्रोसेस सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हम देखेंगे पी जीरो के लिए, तो यहाँ पे हमें नीड मैट्रिक्स में इंस्टेंसेस दिए हैं पी जीरो के लिए 7 4 3, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर हम 7 4 3 और ये स्मॉलर देन इक्वल टू अवेलेबल. तो अवेलेबल के लिए आपको क्वेश्चन में जो दिया है हमें इंस्टेंसेस वो हमें यूज़ करनी है जो है 3 3 2, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर हम 3 3 2, और ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है क्योंकि नीड ग्रेटर है अवेलेबल से और ये नॉट सेटिस्फाइड. और फिर हम चेक करेंगे प्रोसेस पी वन, और इसके हमें इंस्टेंसेस देखेंगे नीड मैट्रिक्स में जो है 1 2 2, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर हम 1 2 2 स्मॉलर देन इक्वल टू, और यहाँ पे करंट अवेलेबल दिया है 3 3 2, और यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाती है क्योंकि नीड स्मॉलर है अवेलेबल से और ये सेटिस्फाइड है कंडीशन. और फिर हम यहाँ पे भी फाइंड करेंगे न्यू अवेलेबल, तो उसका फॉर्मूला है अवेलेबल इक्वल टू अवेलेबल प्लस अलोकेशन. यहाँ पे जो करंट अवेलेबल है वो हमें यूज करना है जो है 3 3 2, और फिर हमें लिखना है अलोकेशन. तो इसके लिए आपको देखना है पी वन अलोकेशन टेबल में, और उसके हमें लिखना है इंस्टेंसेस जो कि यहाँ पे है 2 0 0, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर हम 2 0 0 तो ये हो जाएगा फिर 5 3 2, और फिर हम ये करंट इंस्टेंस नेक्स्ट प्रोसेस में हम इसको यूज करेंगे. तो नेक्स्ट प्रोसेस है पी टू, और इसके हमें इंस्टेंसेस दी है 6 0 0, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर हम 6 0 0 स्मॉलर देन इक्वल टू अवेलेबल, तो करंट अवेलेबल है 5 3 2, और यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है क्योंकि ग्रेटर है नीड और ये नॉट सेटिस्फाइड. और फिर हम चेक करेंगे प्रोसेस पी थ्री, तो हम देखेंगे उसके इंस्टेंसेस यहाँ पे दिए है 0 1 1, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर हम 0 1 1 स्मॉलर इक्वल टू करंट अवेलेबल जो है 5 3 2, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होता है ट्रू हो जाती है क्योंकि नीड स्मॉलर है और ये कंडीशन सेटिस्फाइड है. और फिर हम फाइंड करेंगे न्यू अवेलेबल, तो अवेलेबल इक्वल टू अवेलेबल प्लस अलोकेशन, तो यहाँ पे करंट अवेलेबल है 5 3 2, और फिर हमें एडिशन करना है एलोकेशन पी थ्री के इंस्टेंसेस जो कि है टेबल में 2 1 1.
यहाँ पे हम लिखेंगे 211, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 743, और नेक्स्ट प्रोसेस है P4 के हम इंस्टेंसेस देखेंगे नीड मैट्रिक्स में, जो कि है 432, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर हम 432, और ये हो जाएगा फिर स्मॉलर देन इक्वल टू करंट अवेलेबल जो है 743। यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाती है क्योंकि नीड स्मॉलर है और ये सेटिस्फाइड है कंडीशन, और फिर हम फाइंड करेंगे न्यू अवेलेबल, तो अवेलेबल इक्वल टू अवेलेबल प्लस अलोकेशन। तो यहाँ पे करंट अवेलेबल है 743, और फिर हम ऐड करेंगे एलोकेशन P4 के इंस्टेंसेस जो कि है यहाँ पे 001, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर हम 001, और ये हो जाएगा इक्वल टू 744, और इसके बाद जो प्रोसेस है फॉल्स हुई थी वो हमें यहाँ पे फिर से सॉल्व करना है। सबसे पहले जो फॉल्स हुई थी प्रोसेस वो है P0, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर हम P0 और उसके इंस्टेंसेस है 743, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर हम 743, और हमारे पास करंट अवेलेबल जो दिया है वो है 744, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर हम 744, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू जाती है यानी सेटिस्फाइड कंडीशन है, और फिर हम फाइंड करेंगे न्यू अवेलेबल, तो अवेलेबल इक्वल टू अवेलेबल प्लस अलोकेशन। तो यहाँ पे करंट अवेलेबल है 744, और फिर हमें P0 के अलोकेशन इंस्टेंसेस ढूंढनी है जो है 010, तो यहाँ पे फिर ऐड करेंगे हम 010, तो ये हो जाएगा फिर 754, और नेक्स्ट प्रोसेस जो नॉट सेटिस्फाइड थी वो है P2, तो यहाँ पे फिर हम सॉल्व करेंगे P2, और फिर हमें नीड मैट्रिक्स के इंस्टेंस लिखना है P2 के जो है यहाँ पे 600, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर हम 600 स्मॉलर देन इक्वल टू करंट अवेलेबल जो है 754, तो यहाँ पे भी कंडीशन क्या हो जाती है ट्रू हो जाती है, नहीं सेटिस्फाइड है, और फिर हम फाइंड करेंगे न्यू अवेलेबल, तो अवेलेबल इक्वल टू अवेलेबल प्लस अलोकेशन। तो यहाँ पे हमारे करंट अवेलेबल है हमारे पास 754, और फिर हम अलोकेशन इंस्टेंसेस देखेंगे P2 के टेबल में जो है 302, तो यहाँ पे फिर हम ऐड करेंगे 302, और ये हो जाएगा इक्वल टू 1056। इसके बाद फिर हमें फाइंड करना है सेफ सीक्वेंस, तो इसके लिए आपको जो सीक्वेंस में प्रोसेस सेटिस्फाई हुई थी वही सीक्वेंस में आपको सेफ सीक्वेंस लिखना है। तो सबसे पहले सेटिस्फाई होती P1, फिर थी P3, P4, और फिर है P0, सबसे लास्ट में है P2, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे P1, P3, P4, P0, और सबसे लास्ट में है प्रोसेस P2। और इसके बाद हमें थर्ड क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो है इफ़ P1 मेक्स अ रिक्वेस्ट P1 और इंस्टेंसेस दी है 102, यानी हमें पर्टिकुलर P1 पोजीशन पे हमें नई रिक्वेस्ट मिली है 102, और इसके ऊपर से हमें न्यू नीड मैट्रिक्स फाइंड करना है, ये टेबल भी बनाना है, और साथ में फाइंड करना है सेफ सीक्वेंस। तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का एकदम सिंपल तरीका है, तो बिल्कुल आप जो प्रोसेस आपको बताऊंगा आपको यही प्रोसेस में उसको सॉल्व करना है। तो देखिए, तो हमें यहाँ पे एडिशनल रिक्वेस्ट दी है P1 प्रोसेस के लिए जो है 102, और फिर हम चेक करेंगे रिक्वेस्ट स्मॉलर देन इक्वल टू नीड, तो हमें रिक्वेस्ट दी है 102 और हमारा करंट नीड हमें फाइंड करना है, कि इसके लिए फिर हम देखेंगे नीड मैट्रिक्स इसके पहले जो हमने फाइंड किया था। तो देखिए यहाँ पे है 122, तो यहाँ पे देखेंगे फिर हम 122, यानी ऑब्वियस है रिक्वेस्ट स्मॉलर है। फिर हम चेक करेंगे रिक्वेस्ट स्मॉलर देन अवेलेबल, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट है हमें 102 और स्मॉलर देन इक्वल टू अवेलेबल, तो इसके लिए हम टेबल देखेंगे अवेलेबल के लिए, तो यहाँ पे अवेलेबल दिया है हमें 332, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 332, तो ऑब्वियस है रिक्वेस्ट स्मॉलर है अवेलेबल से, और फिर हम फाइंड करना है न्यू अवेलेबल, और इसका फॉर्मूला है अवेलेबल इक्वल टू अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे हमें करंट अवेलेबल लिखना है जो है यहाँ पे 332, और फिर हमें माइनस करना है रिक्वेस्ट जो कि हमें दी है 102,
तो यहाँ पे फिर हम माइनस करेंगे 102 और ये हो जाएगा इक्वल टू 230, यानी हमारा अभी करंट अवेलेबल जो हो जाएगा वो है 230। और फिर नेक्स्ट है आपको फाइंड करना है अलोकेशन, तो फॉर्मूला है अलोकेशन इक्वल टू अलोकेशन प्लस रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे आपको अलोकेशन इंस्टेंसेस लिखने हैं P1 के जो है यहाँ पे 200, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर हम 200 और फिर आपको ऐड करना है रिक्वेस्ट जो दिए हमें यहाँ पे 102, तो आप लिखोगे फिर आप 102 और ये हो जाएगा इक्वल टू 302। तो हमारा करंट अलोकेशन इंस्टेंसेस है 302 और फिर हमें फाइंड करना है नीड। सो फॉर्मूला है नीड इक्वल टू नीड माइनस रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे नीड इंस्टेंसेस लिखने हैं आपको P1 प्रोसेस की जो है नीड मैट्रिक्स में 1 2 2, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर हम 1 2 2। आपको माइनस करना है रिक्वेस्ट, यानी करंट रिक्वेस्ट हमें दी है यहाँ पे 102, तो यहाँ पे लिखोगे आप फिर 102 और ये इक्वल टू हो जाएगा 020। ये बेस के ऊपर हमें सबसे पहले बनाना है नीड मैट्रिक्स और फिर हमें बनाना है स्नैपशॉट टेबल। तो यहाँ पे फिर बनाएंगे हम फिर न्यू नीड मैट्रिक्स। तो सेम आपको न्यू नीड मैट्रिक्स आपको इसी तरह से बनाना है, इसमें सिर्फ आपको चेंजेस जो करना है वो है सिर्फ P1 के इंस्टेंसेस, बाकी के जो जैसे इंस्टेंसेस दिए हमें वैसे की वैसे वहाँ पे न्यू मैट्रिक्स में हमें लिखना है। तो ये बिल्कुल आप सेम उसी तरह से बनाइए जिसे जिस तरह से हमने इसके पहले का टेबल बनाया है नीड मैट्रिक्स का, और फिर हमें सिर्फ चेंजेस करना है जो है P1 के इंस्टेंसेस, क्योंकि हमें रिक्वेस्ट आई थी P1 के लिए क्वेश्चन में, तो हमने P1 के न्यू इंस्टेंसेस फाइंड किए वो है 020, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर हम 020। और उसके बाद आपको फिर एक टेबल भी बनाना है, तो आपको सेम अलोकेशन जो क्वेश्चन में दी है हमें वो सारे इंस्टेंसेस वैसे वैसे लिख दीजिए। तो यहाँ पे हमें लिखना है न्यू अलोकेशन इंस्टेंसेस P1 के, तो जो हमने यहाँ पे फाइंड किए हैं वो है 302, तो यहाँ पे लिखोगे फिर आप 302 और फिर है नीड मैट्रिक्स। आपको मैक्स टेबल की जगह पे लिखना है नीड मैट्रिक्स, तो आपको ये वैसे के वैसे यहाँ पे आपको कॉपी करना है सेम, और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे इंस्टेंसेस अवेलेबल के, तो हमने यहाँ पे अवेलेबल फाइंड किया है न्यू, तो उसके इंस्टेंसेस है 230, तो यहाँ पे लिखोगे फिर आप 230। और इसके बाद फिर हमें फाइंड करना है सेफ सीक्वेंस, तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि नीड स्मॉलर देन अवेलेबल है या नहीं है। तो हम चेक करेंगे सबसे पहले प्रोसेस P0, तो यहाँ पे P0 के इंस्टेंसेस दी है 743, एंड आपको देखना है नीड मैट्रिक्स कम्प्लीटली, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर हम 743 स्मॉलर देन इक्वल टू अवेलेबल, तो यहाँ पे अवेलेबल इंस्टेंसेस दी है 230, तो यहाँ पे लिखोगे आप फिर 23, तो यहाँ पे कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाती है, नॉट सेटिस्फाइड। और फिर हम चेक करेंगे प्रोसेस P1 के लिए, तो हमें P1 के इंस्टेंसेस देखने हैं जो है यहाँ पे 020, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर हम 020 और स्मॉलर देन इक्वल टू, यहाँ पे हमें लिखना है करंट अवेलेबल जो है 230। तो देखिए यहाँ पे नीड स्मॉलर अवेलेबल से, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाती है, यानी सेटिस्फाइड कंडीशन है। और फिर हम फाइंड करेंगे न्यू अवेलेबल, तो फॉर्मूला है अवेलेबल इक्वल टू अवेलेबल प्लस अलोकेशन, तो यहाँ पे अवेलेबल है करंट 230 और फिर हमें P1 के अलोकेशन इंस्टेंसेस फाइंड करने हैं जो है यहाँ पे 302, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर हम 302, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 532 और आपको ये करंट अवेलेबल आपको नेक्स्ट प्रोसेस में यूज करना है। और नेक्स्ट प्रोसेस है P2, तो आप P2 के इंस्टेंसेस लिखोगे नीड मैट्रिक्स है जो है 600, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर हम 600 स्मॉलर देन इक्वल टू अवेलेबल, तो यहाँ पे करंट अवेलेबल दिया है हमें 532, तो यहाँ पे फिर हम यूज करेंगे 532। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन हो जाती है फॉल्स, नॉट सेटिस्फाइड। और फिर हम चेक करेंगे प्रोसेस P3, तो यहाँ पे हमें इंस्टेंसेस दी है 011, तो यहाँ पे आप यूज करोगे 011 स्मॉलर देन इक्वल टू करंट अवेलेबल जो है यहाँ पे 532, तो देखिए यहाँ पे कंडीशन हो जाती है ट्रू, क्योंकि नीड स्मॉलर है अवेलेबल से,
और ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। और फिर हम फाइंड करेंगे न्यू अवेलेबल, तो अवेलेबल इक्वल टू अवेलेबल प्लस अलोकेशन। तो यहाँ पे करंट अवेलेबल है 532 और फिर हमें फाइंड करना है अलोकेशन इंस्टेंसेस P3 के, तो यहाँ पे है 211। तो यहाँ पे लिखोगे फिर आप 211 और ये हो जाएगा इक्वल टू 743 और ये हमें करंट इंस्टेंस नेक्स्ट प्रोसेस में यूज़ करना है। तो नेक्स्ट प्रोसेस है P4, तो यहाँ पे इंस्टेंसेस दी है नीड मैट्रिक्स में 431, तो यहाँ पे लिखोगे आप फिर 431 स्मॉलर देन इक्वल टू करंट अवेलेबल जो है 743। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये क्या है सेटिस्फाइड है कंडीशन। और फिर हम यहाँ पे फाइंड करेंगे न्यू अवेलेबल, तो अवेलेबल इक्वल टू अवेलेबल प्लस अलोकेशन। तो यहाँ पे करंट अवेलेबल है हमारे पास 743 और फिर हमें अलोकेशन इंस्टेंसेस फाइंड करने हैं P4 के जो है यहाँ पे 001। तो यहाँ पे फिर हम ऐड करेंगे 001, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 744 और आपको ये करंट इंस्टेंस नेक्स्ट प्रोसेस में यूज़ करना है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे हमारे जो प्रोसेस फॉल्स हुई है वो हमें फिर से यहाँ पे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले प्रोसेस है P0, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर हम P0 और फिर हम इसके इंस्टेंस लिखेंगे जो है 743। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर हम 743 स्मॉलर देन इक्वल टू अवेलेबल, तो करंट अवेलेबल है हमारे पास 744। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर हम 744, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू जाती है क्योंकि स्मॉलर है नीड अवेलेबल से और ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। और फिर हम फाइंड करेंगे न्यू अवेलेबल, सो अवेलेबल इक्वल टू अवेलेबल प्लस अलोकेशन। तो यहाँ पे करंट अवेलेबल है 744, फिर हमें अलोकेशन इंस्टेंसेस लिखने हैं P0 के, तो यहाँ पे दिया है 010, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर हम 010, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 754 और हमें ये करंट अवेलेबल आपको नेक्स्ट प्रोसेस में यूज़ करना है। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो फॉल्स हुई थी वो है P2, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर हम P2 और फिर हमें इसके इंस्टेंसेस लिखने हैं P2 के जो है यहाँ पे 600, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर हम 600 स्मॉलर देन इक्वल टू और आपको लिखना है यहाँ पे करंट अवेलेबल जो है 754। तो यहाँ पे कंडीशन हो जाती है ट्रू यानी ये सेटिस्फाइड है कंडीशन और यहाँ पे आपको लिखना है न्यू अवेलेबल। तो फॉर्मूला है अवेलेबल इक्वल टू अवेलेबल प्लस अलोकेशन, तो करंट अवेलेबल है 754 और आपको फिर अलोकेशन इंस्टेंस लिखने हैं P2 के टेबल से जो है 302, तो यहाँ पे लिखोगे आप 302 और ये हो जाएगा इक्वल टू 1057 और फिर हमें लिखना है सेफ सीक्वेंस। जिस सीक्वेंस में इसके प्रोसेसर सेटिस्फाइड हुई है वही सीक्वेंस में हमें इसकी सेफ सीक्वेंस लिखना है। तो सबसे पहले प्रोसेस जो सेटिस्फाई थी वो है P1, फिर है P3, P4, P0, P2। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे P1, P3, P4, P0 और लास्ट में है P2। तो आपको तीनों क्वेश्चंस आपको इस तरह से सॉल्व करना है। इस टॉपिक के हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये एग्जांपल ये खत्म होता है, इसके बाद मैं और भी एग्जांपल्स बताऊंगा। सो आप मेरा चैनल चेक करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।